तो फिलहाल जी हम हो गए हैं तैयार और जिया भी उधर तैयार हो रही है, नंसी दीदी उसको तैयार कर रही है। तो हम लोगों को जी जाना है सुंदरकांड पाठ में। सुना है कि पूजा जो है शुरू भी हो चुका है, तो हम लोग चलते हैं जल्दी से, चल करके अटेंड करते हैं पूजा। सब लोग भी आ गए, तुमसे भी जो है चलकर मुलाकात करते हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो फिलहाल है जी, फिलहाल हमारे यहाँ देख सकते हैं इसको, गति को क्या कर रहा है गति? देखो कल युग के खेल, बेटी पुतो के बीच में बुढ़िया चाय बना कर दे। देखो कल युग के खेल। तो फिलहाल जी हम हो गए हैं तैयार और जिया भी उधर तैयार हो रही है, नंसी दीदी उसको तैयार कर रही है। तो देख सकते हैं उधर अपना जिया हो रही है तैयार, और क्रियांश जो है वह तो पहले से तैयार है। सबसे पहले क्रियांश को ही तैयार किया गया था। तो हम लोगों को जी जाना है सुंदरकांड पाठ में। तो हम लोग सुंदरकांड पाठ में हम लोग यहाँ से जाएंगे, वहाँ पर मालूम चला है कि अपने और भी जो भी क्रिएटर सब है वो सब भी आ चुके हैं। कल जी हम वहाँ पर जा नहीं पाए क्योंकि जी हो क्या गया था कि मेरा हो गया था तबीयत बहुत ज्यादा खराब, एकदम ठंड लग गई मुझे, बुखार, लूज मोशन, वोमिटिंग सब कुछ होना स्टार्ट हो गया था। तो हमने सोचा कि आज एक दिन रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि आगे दो दिन और फंक्शन था। तो सोचा कि आज हम थोड़ा एक्टिवली वहाँ पार्टिसिपेट करें तो अगले दो दिन के लिए दिक्कत ना हो जाए। तो इसलिए अच्छा था जी कि थोड़ा सा रेस्ट ले लिया, और उसके बाद अब ठीक है, अच्छे हैं, मस्त है, और चलेंगे वहाँ पर। और फिलहाल लड्डू महाराज जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो लड्डू महाराज अपने कुछ दोस्तों के बारे में कहना चाह रहे थे, क्या बोलना चाह रहे थे? तो कल जब मैं स्कूल गया था, हाँ, तो मेरे ही दोस्त ने पूछा कल तुम क्यों नहीं आए थे। अच्छा, तो फिर मेरे दोस्त ने कहा कि कल ही इसलिए नहीं आया था क्योंकि इसके मामा आए हुए थे। अच्छा, तो उसको कैसे मालूम चला कि मामा आए थे? मैंने भी उससे यही सवाल पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे मामा का व्लॉग देखता हूँ। वाह, तो बहुत ही अच्छा लगा जानकर। हर्षिल, हर्षिल, हर्षिल ही नाम है, बताया था अभी कुछ देर पहले। तो ठीक है हर्षिल, आपका मैसेज हम तक पहुंच गया और अच्छा लगा जानकर कि आप हमारा ब्लॉग देखते हैं। A few moments later. तो हम लोग जी हो गए हैं तैयार, और तैयार होकर के जब निकल रहे हैं, और क्रियांश भी बाय बाय कर रहा है। अब बहुत देर से जो है यहाँ परेशान था निकलने के लिए, तो फाइनली अब मौका मिला है। ए, 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 ए। तो हम लोग बैठ चुके हैं, आज हम लोग टोटो से जा रहे हैं, नहीं तो हम लोग बगल वाले गली से चले जाते थे। क्रियांश साथ में, और हवा बहुत ज्यादा तेज है, तो लग रहा है कि इससे अच्छा है कि जल्दी हम लोग पहुंच जाए तो वही अच्छा रहेगा। और जो है ना कि हम लोगों ने क्रियांश को सुलाने की बहुत कोशिश की, क्रियांश सो जाए, क्योंकि इस टाइम पे क्रियांश का सोने का समय होता है, लेकिन क्रियांश सोया ही नहीं। कई बार हाफिज सब भी ले रहा था, लग रहा कि अब सोएगा तब सोएगा, बहुत कोशिश किया गया लेकिन नहीं का नहीं सोया ये। तो अब मालूम है अमित भाई यही जाके सोएगा, वही सोएगा ये। हम लोग पहुंच गए जी अमित भाई के सोसाइटी, और सुना है कि पूजा जो है शुरू भी हो चुका है। तो हम लोग चलते हैं जल्दी से, चल करके अटेंड करते हैं पूजा। अंदर उन लोगों को शांत कर लीजिए। Thank you.
सब लोग बैठ जाए आराम से। और जिस बालक का जन्मदिन है उस बालक को उसके माता पिता गोद में लेकर के बैठ जाए। और आदरणीय सभी बहनों, मेरी जितनी भी बच्चियां हैं, अभी एक दोहा गाते हैं, आपने पुस्तक बंद कर दी। सुंदरकांड में आनंद आया हो वो हाथ उठा दे, और जिसको नहीं आया हो वो ना उठाए। और यदि वास्तव में आपकी लगन लगी है, आपके आपको लगता है कि मेरे परिवार में, मेरे कुल में भगवान की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, तो ईमानदारी के साथ तो फिलहाल इधर जी यहाँ पर चल रहा है भजन, और इस वीडियो को जो है यहीं तक खत्म करते हैं। आप लोगों को जो भी आगे होता है वो आगे दिखाते हैं, और अंदर मिष्टू भाई, अंकुश भाई सब लोग भी आ गए, तुमसे भी जो है चलकर मुलाकात करते हैं, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।